सो हाय गाइस, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल करियर फोबिया में। मैं हूं अमन। और आज नेक्स्ट वीडियो फिर एक यूपी पॉलिटेक्निक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट है, जो कि आप सब बच्चों को जानना बहुत जरूरी है। सारे स्टूडेंट समझ लें कि हमें जो चौथे राउंड की काउंसलिंग करनी है वो किस तरह से करनी है। तो अभी तक थर्ड राउंड तक जिन बच्चों की अलॉटमेंट आई है, तो थर्ड राउंड में जैसा कि सारे बच्चों को फ्रीज माना गया है, जिन बच्चों ने सबसे बड़ा एक जो क्वेश्चन आ रहा था, बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे यहाँ पर, एक क्वेश्चन ज्यादातर बच्चों ने मेरे से किया कि सर क्या हमें थर्ड राउंड में सीट मिल चुकी है, तो क्या हम अगर सीट को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं तो किस तरह से हम आगे फोर्थ राउंड में जा सकते हैं, इसको अगर हम चाहें तो, क्या इसमें फ्लोटिंग का ऑप्शन है। तो ये चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इसमें फ्लोटिंग का ऑप्शन नहीं है, और आगे आप अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो वो वाला सीट जो है वो आपको छोड़ना पड़ेगा पूरी तरह से, और आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप जो है आगे राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ी बात है। सेकेंड नंबर पर क्या है कि सेकेंड, जैसे कि हमारा अदर स्टेट के बच्चे भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो उनके लिए कॉम्पिटिशन काफी सारे बच्चों के लिए हाई हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं कुछ टिप्स देना चाहता हूँ कि बच्चों को कैसे गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है अगर आप खुद से काउंसलिंग करते हो। अदरवाइज मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप जितने भी स्टूडेंट जिनका मार्क्स कम है, जिनका 100 के अप्रोक्स में मार्क्स है या 100 से कम है जिनके नंबर, तो वो हमारे एक्सपर्ट काउंसलर से बात करके वहां पर गाइडेंस ले सकते हैं। एक अच्छा गाइडेंस मिलेगा, आपको जानकारी मिलेगी आपको कैसे, आपको स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करना है, और आप कैसे एक गवर्नमेंट अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज प्राप्त कर सकते हो। और हमारी सर्विसेज भी है, अगर आप चाहते हो कि पूरा प्रोसीजर हमारे एक्सपर्ट काउंसलर्स के थ्रू किया जाए, तो उसके लिए आप यहाँ पर उस चीज के लिए भी आप सर्विस ले सकते हो। अदरवाइज आगे मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ, आपकी खुद भी अगर काउंसलिंग करते हो और कुछ चीजें आप फोकस ध्यान में रखकर आगे काउंसलिंग में स्टेप लेते हो, तो आपको कॉलेज मिलने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, टिप नंबर वन में मैं बात करूंगा कि अगर आपने टॉप 10 कॉलेजेस डाल रखे हैं या टॉप 15 कॉलेजेस डाल रखे हैं, तो उन टॉप 10 की जगह अब आपको काउंसलिंग अपडेट करने की जरूरत है। मोस्टली होता क्या है कि सारे बच्चे क्या करते हैं, एक बार हम कॉलेज फिल कर देते हैं और आगे धीरे धीरे हम जो उसको अपडेट नहीं करते, हम वेट करते हैं कि हमें कब जो है कौन सा कॉलेज मिलेगा। बहुत ही कम लोग काउंसलिंग को अपडेट करते हैं। तो काउंसलिंग के अकॉर्डिंग आपको काउंसलिंग अपडेट करने की जरूरत होती है। आपको कहीं ना कहीं चीजें जो है अपडेट में किस आधार पर अपडेट करोगे ये भी समझ लो, आपको किस कहां पर कितनी सीट लगभग वैकेंट होंगी या कितनी सीट फिल हो गई, इन सब चीजों की जानकारी होनी चाहिए, जो कि ओपनली जो है अवेलेबल नहीं होती है। आप लोग पता नहीं कर पाते हैं, आप लोग के पास उतने इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज नहीं होते हैं, या बोले तो सिंपली आप उतने एक्टिव नहीं होते कि आपको सीधे पता चल पाए। हमारी जो काउंसलिंग टीम है, हमारे पास सारी अपडेट होती है कि आपको कितने नंबर पर कौन सा कॉलेज कहां पर कैसे मिल सकता है, कितने सीट्स कहां पर लगभग फिल हो गई होंगी, कहां पर किस हिसाब से हमें प्रायोरिटी रखनी चाहिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, जिन भी बच्चों के नंबर 200 के अप्रॉक्स में है, 150 से 200 के बीच में, वो लोग आगे टॉप 10 कॉलेजेस को ना, टॉप 5 को ना रख करके टॉप जो 5 टू 10 है उनको कंसीडर कर लें, टॉप 15 या टॉप 20 तक जा सकते हैं। क्योंकि काफी एक अमर उजाला अपडेट भी आया था जिसमें बताया गया कि गवर्नमेंट कॉलेजेस की लगभग सीटें काफी ज्यादा सीटें भर चुकी हैं, क्योंकि थर्ड राउंड में ज्यादा से काफी ज्यादा अलॉटमेंट सबको आती है, तो काफी ज्यादा सीटें भर चुकी। अगर आप यहाँ पर टॉप 20 बोले तो आगे का टॉप 10 छोड़ के, अगर आप ब्रांच ज्यादा जो कॉम्पिटेटिव ब्रांचेस है जैसे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इनमें कॉम्पिटिशन काफी हाई होता है, तो अगर आप इन ब्रांचेस में, इन ब्रांचेस को ऑप्ट करना चाहते हो कि मुझे ये ब्रांचेस मिले, तो आगे जाकर के आप जो है थोड़ा सा जो कॉलेज का लेवल है वो लोअर करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपको टॉप 10 से या टॉप 5 से हट करके आपको टॉप 15 या 20 या 30 तक भी जाना पड़ सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर स्कोर कार्ड, आपकी क्या रैंक है, क्या स्कोर कार्ड है, उसके भी आप पे आप आगे उसको अपडेट कर सकते हो। तो अगर आप गाइडेंस का नीड है तो जरूर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले ले, काउंसलर से बात कर ले, और आगे जो काउंसलिंग है, अगर आपको अलॉटमेंट नहीं आई है या नहीं आगे चांसेस है कि नहीं आएंगे, तो आप यहाँ से सर्विस भी ले सकते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ कुछ और अपडेट्स हैं कि आपको काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट वगैरह को लेकर काफी प्रॉब्लम आ रहा था, तो एक निश्चित डेट दे रखी है, डेट शीट आप नीचे में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाकर एक प्रॉपर तरीके से डेट शीट चेक कर ले। उस डेट शीट में मेंशन है कि किस डेट पर कब आपको रिपोर्टिंग करनी है। कुछ बच्चे ने रिपोर्टिंग ही नहीं की है कॉलेज में, वो बोल रहे सर अब क्या होगा, तो आपका आपको कहीं ना कहीं थर्ड राउंड तक काउंसलिंग से बाहर हो चुके हैं, मे बी वो आगे जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी। तो विद इन टाइम, विद इन काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो आप चेक कर लें, उसी के हिसाब से आगे आपको रिपोर्टिंग वगैरह करनी है। तो अलॉटमेंट आने के बाद दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से आप जाके प्रॉपर सारे डॉक्यूमेंट ले जाकर के रिपोर्ट करें। रिपोर्टिंग के लिए स्पेशली मैंने वीडियो बना रखा है, वो वीडियो जाके वॉच कर लें, और आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली अपडेट्स की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट।